डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू इन द कोर्स ऑफ लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस decision मेकिंग दिस इज मॉड्यूल नंबर two four eight एंड द टॉपिक अंडर डिस्कशन इज हाउ टू अप्रोच systems problems याद रखिएगा कि सिस्टम्स problems को एड्रेस करने से पहले हमारे पास systems इंटेलिजेंस होना वो बहुत जरूरी है हमें सिस्टम्स perspectives को वो समझना पड़ेगा हमें ये देखना पड़ेगा कि द सिस्टम अंडर consideration उसमें तमाम तर जो components हैं वो आपस में किस तरह से को हैं अब उसकोर रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सिस्टम के साथ एसोसिएटेड जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन हैं उनको अंडरस्टैंड करें अब एक सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए देर आर टू थिंग्स वी हैव टू फोकस अपॉन फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन देर इज द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अवर डिसीजन एंड ऑबियसली टू टेक द एज वेल डिसम्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट वी हैव द अर्जेंसी टू कम अप विद अ अपल्यूशन तो so, यहां पर कोई ऐसी प्रॉब्लम अकर कर रही है विच इज टू बी अवॉइडेड विच इज टू बी करेक्टेड और यहां पर हमें एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल इन दोनों की जरूरत होगी बिकॉज उस सूरत में हम जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे और हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है दैट इज समथिंग विच इज अ वार्निंग पॉइंट फॉर अस हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्म के परफॉर्मेंस के दरमियान जो डेविएशन है वो किस कदर है और उस डेविएशन के मुताबिक हमें कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन वो यूज करना है ऑब्वियसली हमारी कोशिश यही होगी कि हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को इनक्रीज करके कम से कम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपने आउटकम को वो लेकर आ सकें और उसको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड तक लाने के लिए नो no डाउट हमें सर्कमस्टांसिस लिमिटेड रिसोर्स कंडीशन एंड कंस्ट्रेंट्स इन तमाम को फेस वो करना होगा इस मकसद के लिए याद रखिएगा कि द बेस्ट फार्मूला वी हैव इज नोन एज W5H. The W five H formula says that choose any systems problems facing you and practice your question skills or concept question skills that we have to ask to ourselves related to the situation and problem who, what, where, when, why, and how. हमें यह देखना होगा कि कौन कब कहा क्यों कैसे उस काम में इन्वॉल्व है और उस काम के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है बेस्ड अपॉन द आंसर ऑफ दीज टिपिकल क्वेश्चन सी इफ यू कैन पिन पॉइंट द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द सिस्टम इन द क्वेश्चन एंड ऑब्वियसली उसके लिए हमें सिस्टम्स अप्रोच सिस्टम्स इंटेलिजेंस सिस्टम्स थिंकिंग इन तमाम चीजों का सहारा लेने की जरूरत वो होगी

टू और थ्री सस्पेक्ट्स और ये वो सस्पेक्ट्स होंगे जो एक्चुअली आपके लिए ट्रिगर पॉइंट वो बन रहे हैं और उन ट्रिगर पॉइंट्स को अगर आप एलिमिनेट कर लें तो आपकी प्रॉब्लम हल हो सकती है डियर स्टूडेंट्स हम बार बार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग के दौरान प्रॉब्लम कम्प्रीहेंशन होना बहुत जरूरी है अगर आप एक प्रॉब्लम को सही तौर एड्रेस कर लो तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग मुश्किल नहीं रहेगी इफ वी कंक्लूड द होल डिस्कशन रिमेंबर वन थिंग सिस्टम्स थिंकिंग सिस्टम्स अप्रोच सिस्टम्स इंटेलिजेंस ये बहुत अहम चीजें हैं जिनके बगैर हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन वो डिफिकल्ट हो जाती है और हम क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज पेश नहीं कर पाएंगे देअर फोर वी हैव टू बी केयरफुल एंड कॉशियस एंड माइंडफुल इन अवर डिसीजन मेकिंग थैंक यू